एक थ्योरम बचा था आपका, लास्ट थ्योरम डीजी का, बहुत छोटा सा थ्योरम था, उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका कर्व इन स्पेस पूरा ख़त्म हो जाए। ठीक है, थ्योरम लिखिए। प्रूव दैट द, थ्योरम है, प्रूव दैट द इन्वोल्यूट ऑफ अ सर्कुलर हेलिक्स, प्रूव दैट द इन्वोल्यूट ऑफ अ सर्कुलर हेलिक्स आर प्लेन कर्व, प्रूव दैट द इन्वोल्यूट ऑफ सर्क्यूलर हेलिक्स आर प्लेन कर्व। आपको बताया गया था कि जो कर्व प्लेन कर्व होते हैं उनका टॉर्शन ज़ीरो होता है, तो अगर हम किसी तरह से दिखा दें कि इन्वोल्यूट का टॉर्शन मतलब टावन ज़ीरो है तो वो हमारा प्लेन कर्व बन जाएगा। ठीक है, सर्कुलर हेलिक्स की बात की, आपको पता है सर्कुलर हेलिक्स के लिए कप्पा अपॉन टा कांस्टेंट होता है। ठीक है, लिखिए प्रूफ में, लिखिए फॉर अ सर्कुलर हेलिक्स सिंस वी नो दैट, फॉर द सर्कुलर हेलिक्स सिंस वी नो दैट, फॉर द सर्कुलर हेलिक्स Since we know that kappa upon ta is equal to alpha constant, equation number one. This implies that kappa is equal to alpha ta, और अगर s के respect में आप differentiate करोगे तो kappa dash, देखिए यहाँ पे s के respect में differentiate किए, kappa dash alpha constant बाहर हो गया, ta का derivative ta dash, equation number two. ठीक है, उतारिए। आगे बढ़े, नीचे से लिखिए, सिंस द टॉर्शन ऑफ एन इन्वोल्यूट, सिंस द टॉर्शन ऑफ एन इन्वोल्यूट, since the torsion of an involute of a given curve, of a given curve xi is equal to xis, of the given curve xi is equal to xis is given by कल आपको फॉर्मूला डिराइव कराया गया था, कहा गया था कि टॉर्शन टावन होता है टा कप्पा डैश माइनस कप्पा टा डैश अपॉन टा स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर सी माइनस एस कप्पा के। कल ये आपको फॉर्मूला हम निकलते निकलते क्लास से डिराइव कराए थे। ठीक है, देखिए, पुटिंग कप्पा इज इक्वल टू अल्फा टा, कप्पा इज इक्वल टू अल्फा टा एंड कप्पा डैश इज इक्वल टू अल्फा टा डैश इन इक्वेशन थ्री वी गेट, समीकरण तीन में पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा टा वन इज इक्वल टू टा कप्पा डैश की जगह अल्फा टा डैश माइनस कप्पा की जगह अल्फा टा टा डैश अपॉन टा स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर सी माइनस एस कप्पा। अल्फा टा टा डैश अल्फा टाउ टाउ डैश मतलब मिल करके ज़ीरो। अगर किसी का टॉर्शन ज़ीरो हो तो वो प्लेन कर्व होता है। ठीक है, उतार डालिए। अभी रुक जाइए, आप लोग क्या करेंगे नोट करके उतार लीजिएगा, बाद में ख़त्म ही करेंगे इसको। हो गया भाई,
अब हर संडे क्लास चलेगा है ना, अब कोई संडे ऑफ नहीं होगा, एक संडे छुट्टी दे दिए ना, बस ठीक है। क्या करेंगी, आइएगा हम लड्डू खिलाएंगे है ना, घर जाएंगी, कब जाएंगी घर? चलिए हो गया। हो गया भाई, वीडियो ना 3-4 दिन ठीक लगता है, उसके बाद लगता है काम बहुत पेंडिंग हो गया, उसको लिखने वाला बड़ा टिटम्मा हो जाता है। क्लास का क्लास में पढ़ लो छुट्टी, टेंशन नहीं रहता है घर पे। हो गया, नीचे से लिखिए, दैट इज टॉर्शन फॉर द इन्वोल्यूट, दैट इज टॉर्शन फॉर द इन्वोल्यूट इज ज़ीरो, दैट इज टॉर्शन फॉर द इन्वोल्यूट इज ज़ीरो, इज ज़ीरो एंड हेंस द इन्वोल्यूट, एंड हेंस द इन्वोल्यूट इज अ प्लेन कर्व, एंड हेंस द इन्वोल्यूट इज अ प्लेन कर्व। हो गया, अब आपका पूरा कर्व इन स्पेस ख़त्म, अब कर्व इन स्पेस में कुछ नहीं बचा है, ठीक है।